14 डेज स्किन चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैं इस वीडियो में जो शेयर करने वाली हूँ, आप वो 14 डेज तक ट्राई करो, फिर अपने फीडबैक कमेंट्स में लिखें, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि ये फेस मास्क जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ग्लास स्किन हासिल करने में आपकी मदद करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल GN फैशन जोन। तो हम मास्क के इनग्रीडियंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इनग्रीडियंट राइस वाटर। अगर हम स्किन की बात करें तो ये कैसे मुमकिन है कि हम राइस वाटर की बात ना करें। अब ये राइस वाटर बनता कैसे है, ये बहुत ही सिंपल है। चावलों को अच्छी तरह से धो लें, 5 से 8 मिनट भुगो दें, फिर छान लें। दिस इज आर राइस वाटर। 3 टेबलस्पून राइस वाटर लेना है। हम राइस वाटर इस मास्क में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक कर देगा, ये आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देने वाला है, इसीलिए हम राइस वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपसे राइस वाटर भी नहीं बन रहा तो सादा पानी यूज कर लें, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो राइस वाटर ही यूज करें। दूसरा इंग्रेडिएंट है बेसन, ग्राम फ्लोर 1 टीस्पून लेना है। इसको राइस वाटर में डालें। अब हम बेसन क्यों यूज कर रहे हैं, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, ये आपकी एक्नी के निशान आपको भी कम करेगा और आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, ये आपकी स्किन को शाइन देगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है वेजिटेबल ग्लिसरीन, 1 टीस्पून लेना है। आप इसकी जगह सिंपल ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हो। इन सबको मिक्स करना है और हमारा फेस मास्क रेडी है। इसको आप अपने फेस पे लगाएं, इसको सूखने तक लगा के रखना है। इसको सूखने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इस मास्क को लगाते वक्त लाइट सा मसाज भी करना है और उतारते वक्त भी हल्का सा मसाज करना है। ये आपको 14 डेज तक करना है, लेकिन आप इसे रोजाना ना यूज करें, बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करें। इस तरह 14 डेज मुकम्मल करने हैं। हर रोज किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर से मसाज भी जरूर करना है, ये मस्ट है। ऐसा 14 डेज तक करना है। मॉइस्चराइजर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको होममेड मॉइस्चराइजर लगाना है जो कि बेस्ट होगा, तो कमेंट्स में बता दें, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। अगर मॉइस्चराइजर भी नहीं है आपके पास, तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना है। ऐसा 14 डेज तक करना है। आप रिजल्ट देख के हैरान हो जाओगे। मैं जब ग्लास स्किन कह रही हूँ, तो मेरा ग्लास स्किन या ब्राइट स्किन से मुराद ये है कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो और इवन हो, रंग आपका चाहे जैसा भी हो। जब आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होगी और इवन हो जाएगी, तो फिर वो ग्लो भी करेगी। मैं स्किन व्हाइटनिंग को सपोर्ट नहीं करती, ना ही स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स को सपोर्ट करूंगी। बी कॉन्फिडेंट, आपकी स्किन का कलर जो भी है, खुराक ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, खाना वक्त पे खाएं, जंक फूड मत खाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, यूजफुल रहेगी। कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।